एलिमेंट्स, डिटेल सबको पता है, बेसिक सबको पता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ मैं इसका हिंट दे चुका हूँ, जो 10th वाले बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है, तो समझ आने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट में हमें क्या क्या करना है, टॉपिक सुन लेंगे एक बार। एस ब्लॉक एलिमेंट में हमें क्या क्या करना है, इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो ध्यान देंगे। उसमें टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जैसे हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ध्यान सुन लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस, इनके कंपाउंड्स, कंपाउंड स्पेशली सोडियम के और कैल्शियम के, कंपाउंड सोडियम के और कैल्शियम के, और थोड़ा बहुत जैसे सीमेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो ये स्टडी करेंगे इसके अंदर, तो ध्यान देंगे इसके अंदर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये सबको पता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर करेगा, जिसमें लास्ट ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर करेगा। तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट से ध्यान देंगे। अब इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट में जनरल कंफिगरेशन क्या है, इसकी कंफिगरेशन हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, आर्गन नोबल गैस 4s1, क्रिप्टन 5s1, ज़ेनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। रेडॉन 7s1, क्लियर? दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? एस ब्लॉक एलिमेंट से बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, ध्यान देंगे कहीं से डिस्टर्बेंस हो रही है। ये अल्कली मेटल्स है, दीज आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। क्लियर? अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स है। क्यों कहते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं LiOH, NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ऐसे ही जो दूसरा ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये आ गया। तो इसमें कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टन 5s2, ज़ेनॉन 6s2, रेडॉन 7s2। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं क्योंकि इनकी ऑक्साइड्स अर्थ में मिलती है, अल्कलाइन अर्थ। रेडियम सर कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही है, अब आने तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो ध्यान देंगे, जो जिसके यहां से आ रही है ध्यान देंगे एक बार। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, रेडियम भी रेडियो एक्टिव है, इनकी हाफ लाइफ कम नोन है, इन दोनों की हाफ लाइफ कम पता है, इसलिए केमिस्ट्री इसके बारे में डिटेल करनी नहीं है हमें, सही है? और वैसे फ्रेंशियम लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप है, सही ना, रेडियो एक्टिव्स के अंदर, रेडियो एक्टिव्स के अंदर। अच्छा, अब इसमें इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, एक्सेप्शन है इसके अंदर बेरिलियम, बेरिलियम को नहीं माना गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर? बेरिलियम को नहीं माना गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं और अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ये पता होना चाहिए। इनकी कंफिगरेशन मैंने लिख दी है, इनको अल्कली मेटल्स को प्लांट ऐश एलिमेंट्स भी कहते हैं, अल्कली मेटल्स को दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट ऐश एलिमेंट्स, प्लांट ऐश एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको, अल्कली मेटल्स को। अच्छा, अब इसके बारे में जो हमें डिटेल स्टडी करनी है, पूरा एनसीईआरटी के अंदर पूरा टेबल दे रखा है, उसी की डिटेल डिस्कस करेंगे, तो ध्यान देना और बहुत ध्यान सुनना है। ये कंफिगरेशन रटी होनी चाहिए, मैंने 10th वालों को भी कराया हुआ है, तो वो भी ध्यान देना। बोलो सर, सर अल्कली मेटल्स को और क्या कहते हैं? प्लांट ऐश एलिमेंट्स, नोट करेंगे आगे। ओके सर, आगे नोट करेंगे हम। तो ये कंसिडरेशन नोट कर लेना, कंसिडरेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, या टिप्स होना चाहिए। जनरल कंसिडरेशन कोई पूछेगा तो इधर NS1 आ रहा है, ध्यान देंगे, इधर क्या आ रहा है NS1, ये 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। तो कोई जनरल कंसिडरेशन पूछेगा एस ब्लॉक की, तो NS1 to 2, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है,
तो इसे बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो अब इसमें आगे नोट करना है, अब इनकी प्रॉपर्टीज है, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर वगैरह तुम्हें सब पता है इसके बारे में। एटॉमिक नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ तुम लोगों को, वो पता है, टेबल तुम पहले कर चुके हो, बस एक रिपीट किया हमने सारा। अब इसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई पहले, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर दैट इज एटॉमिक रेडियाई। ये भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, लिथियम से लिथियम सोडियम पोटेशियम, चाहे मैं इसकी बात करूं या फिर इसकी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इसकी बात करें या इसकी बात करें, तो पीरियड में जाएंगे, पीरियड में जाएंगे तो साइज करता है डिक्रीज, पीरियड ऐसे जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे तो साइज विल इंक्रीज, साइज इंक्रीजेस, तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है, या फिर इनर शेल्स बढ़ जाएंगे, ये तो भूलना नहीं कभी भी। इसमें एक शेल है, दो शेल है इसमें लिथियम में, फिर सोडियम में तीन शेल है, फिर चार शेल है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। ये हम 10th लेवल तक पढ़ते हैं कि शेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। एक्चुअल रीजन इसका क्या है, नीचे आने पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इसलिए साइज बढ़ता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिसने पढ़ा हुआ है उन सबको पता होगा ये। तो अब एक चीज और इसके अंदर ध्यान रखना है कि लिथियम से सोडियम के अंदर, ये बात मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान देंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, जैसे ये अगर, तो लिथियम से सोडियम के बीच में जो साइज का डिफरेंस होगा, जो साइज का डिफरेंस होगा वो एक लिथियम से, फिर आगे सीजियम फ्रेंशियम, सीजियम और लास्ट में फ्रेंशियम है, दिमाग में रखना फ्रेंशियम। अब लिथियम से सोडियम के बीच में जो साइज का डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, लिथियम से सोडियम के बीच में जो साइज का डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पोटेशियम से रुबिडियम, पोटेशियम से रुबिडियम। तो ये ऐसे कुछ मान सकते हैं हम, जैसे इसका लिया मैंने 152 होता है, सबको पता होगा 151 पिकोमीटर के आसपास होता है इसका साइज, 151 पिकोमीटर, तो हमारा इसका आ जाता है साइज 186 पिकोमीटर, सोडियम का 186 पिकोमीटर, सोडियम कितना है 186 पिकोमीटर। फिर जैसे ये 227 है तो ये 248 है, साइज का डिफरेंस इस तरह चल रहा है 248 पिकोमीटर साइज का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 21 पिकोमीटर का डिफरेंस आया है, यहाँ पे 21 पिकोमीटर का, और यहाँ पे आ गया अराउंड 35 पिकोमीटर का डिफरेंस, 35 पिकोमीटर का, और इधर कितना आया सिर्फ 21 का, और ऐसे ही आगे और कम हो जाएगा सीजियम फ्रेंशियम में, ये और कम हो जाएगा डिफरेंस। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम बात करें तो इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाना है वो जाना है हमारा पी ब्लॉक के अंदर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा लिथियम सोडियम के अंदर वो जाएगा पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक का स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रॉपर होता है। पोटेशियम रुबिडियम में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाना है वो डी ब्लॉक में जाना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो जाना है वो डी ब्लॉक में जाना है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाना है वो एफ ब्लॉक में जाना है, एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट और ज्यादा पुअर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, डी ब्लॉक का स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पुअर है तो इसलिए न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी, एफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए साइज का डिफरेंस जो है वो कम होगा। समझ आ गई तो बात बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना जरूर ध्यान रखेंगे, साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो जो शेल्स के बीच में लास्ट जो शेल्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, साइज बढ़ेगा तो साइज का डिफरेंस, शेल्स का डिफरेंस जो है वो भी कम हो जाता है, शेल्स का डिफरेंस कम हो जाता है साइज बढ़ने पर, शेल्स के बीच में डिफरेंस जो है कम हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे इस चीज को, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो डी और एफ की एंट्री होती है, डी और एफ का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाती है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो मैंने तुम्हें बताया, पीरियड में साइज डिक्रीज करता है, ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखना है। लिथियम बेरिलियम में बेरिलियम का साइज छोटा होगा, लिथियम का साइज बड़ा होगा, रीजन सबको पता है, पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है साइज डिक्रीज करेगा, ग्रुप में इनर सेल्स बढ़ते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा इससे साइज इंक्रीज करेगा। तो साइज के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, ये तुम्हें पहले भी पता है इसके बारे में। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, जैसे आयनिक रेडियाई की भी बात करें, अगर आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, लिथियम प्लस सोडियम प्लस के प्लस, तो उसमें भी क्या इधर क्या आएगा, बेरिलियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस, इसमें भी साइज नीचे आने पर क्या होगा, सेम वही चीज, साइज डाउन द ग्रुप विल इंक्रीज, डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज एंड अलॉन्ग पीरियड दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, साइज डिक्रीज करेगा। जो अप्लाई किया था मैंने एटम्स के ऊपर, न्यूट्रल एटम्स के ऊपर, वो सेम अप्लाई होगा
कैटायनिक स्पीसीज में भी वो सेम अप्लाई हुआ कैटायनिक स्पीसीज में भी. जैसे अगर लिथियम का साइज 151 पिकोमीटर था तो इसका साइज हुआ ना 151, इसका लगभग आधे के आसपास आ जाता है 76 पिकोमीटर के आसपास. लिथियम प्लस का साइज 76 पिकोमीटर के आसपास का साइज आ जाता है इसका. और मैग्नीशियम 2 प्लस की बात करें, मैग्नीशियम 2 प्लस तो मैग्नीशियम का साइज होता है 160 पिकोमीटर के आसपास, तो ये आ जाता है सीधा 72 पिकोमीटर के आसपास. साइज तो पता ही है कैटायन का छोटा होता है हमेशा न्यूट्रल एटम से, क्योंकि कैटायन के अंदर क्या हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स तो उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो इसलिए साइज ज्यादा छोटा हो जाता है. कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एटम. इसके बारे में सबको पता है, ये ध्यान रखना चीज का. तो ये साइज के बारे में डिटेल जो दी है ये पता होना चाहिए. अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नीट में आईआईटी मेंस में काफी बार पूछी गई है, हाइड्रेटेड रेडियाई पूछेगा. हाइड्रेटेड रेडियाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक का. क्लियर? हाइड्रेटेड रेडियाई, अगर मैं बात करूं हाइड्रेटेड रेडियाई की, यानी इन आयन्स को हमने पानी में डाल दिया, तो ध्यान रखेंगे जितना छोटा आयन होगा मैं बात कर रहा हूँ लिथियम प्लस की, सबसे छोटा है, तो इसको चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे H2O इस तरीके से. जितना छोटा आयन होगा उतना ज्यादा हाइड्रेट होगा, सॉल्वेट होगा पानी के अंदर, और जितना ज्यादा सॉल्वेट होगा उतना साइज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इस तरीके से होगा. तो छोटा आयन होगा स्मॉलर द आयन जितना छोटा आयन होगा उतना हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगा. ध्यान रखना चाहिए स्मॉलर द आयन लार्जर इज द हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई उतना ज्यादा बढ़ जाएगा जितना छोटा आयन होगा. अगर मैं बात करूं Na+ की बात करूं तो उस केस में इतना साइज नहीं बढ़ेगा, उतना ज्यादा साइज नहीं बढ़ेगा. ध्यान रखना चीज का, Na+ का साइज बड़ा है Li+ से, Na+ का साइज बड़ा है Li+ से, लेकिन हाइड्रेटेड रेडियाई पूछेंगे तो Li+ का ज्यादा, ये अपना Li+ एक्वस ऐसे ही बोलेंगे क्वेश्चन, Li+ एक्वस का साइज बड़ा है कि Na+ एक्वस बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा इसमें से? Li+ एक्वस बड़ा होगा. जितना छोटा आयन पानी में उतना ज्यादा हाइड्रेट होगा, सॉल्वेट होगा, और वो फैल जाएगा और साइज बढ़ जाएगा. ये लाइन याद रखनी, भूलना नहीं बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट चीज है काफी है. हाइड्रेटेड रेडियाई जितना छोटा है, साइज हाइड्रेटेड रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. तो ये ध्यान रखना, हाइड्रेटेड रेडियाई बड़ा होता है अगर आयन छोटा होता है, पानी में ज्यादा घुलता है और उसका साइज बढ़ जाता है. अब स्कूल में जैसे स्कूल लेवल पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, लिथियम अमंग अल्कली मेटल आयन्स, लिथियम आयन हैज द लोएस्ट मोबिलिटी, वाई लिथियम की लोएस्ट मोबिलिटी क्यों होती है? तो क्या लिखेंगे, लिथियम आयन स्मॉलर साइज हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर हैंस हैज द लोएस्ट मोबिलिटी. जो पानी में बहुत ज्यादा घुलेगा, चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और भारी हो जाएगा तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, हेंस हैज लोएस्ट मोबिलिटी. इसलिए इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम. समझ गए कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन पूछते हैं स्कूल लेवल पे, लिथियम आयन की लोएस्ट मोबिलिटी क्यों है? एक स्मॉलर साइज है, हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर है, लोएस्ट मोबिलिटी होगी. हाईली जैसे अगर लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस इसमें पूछेंगे तो बेरिलियम 2 प्लस की का साइज बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, मोबिलिटी और कम हो जाएगी. ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम 2 प्लस का साइज सबसे बड़ा होगा एक्वस फॉर्म में, और इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम. जैसे क्वेश्चन आता है ऐसे LiCl, ये क्वेश्चन इवन एंट्रेंस में पूछा हुआ है, LiCl प्लस और AlCl3 इज यूज टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर. ये ह्यूमिडिटी कंट्रोलर होते हैं, मॉइस्चर को कंट्रोल करते हैं. क्यों? क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी को ये एब्जॉर्ब, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर. क्यों? क्योंकि Li+ और Al3+ साइज छोटा है, इनका साइज छोटा है. इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 97 के IIT के पेपर में आया हुआ है, Li+ Al3+ किसका साइज इन दोनों में से बड़ा है. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कराया हुआ अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेक्चर में, तो आंसर पता होना चाहिए इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
अच्छा नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और हाइड्रेटेड रेडियाई। जितना छोटा आयन होगा उतना ज्यादा पानी में घुलेगा, उतना ज्यादा पानी में घुलेगा, साइज उसका फैल जाएगा और हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज करेगा। ध्यान रखना लिथियम प्लस की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी भी होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है पानी में डालने पर। जो एक मोल आयन को, एक मोल आयन को पानी में डालने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होगी इसके अपने ग्रुप में, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी अमंग अल्कली मेटल्स, अमंग अल्कली मेटल्स लिथियम प्लस की हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी है अमंग अल्कली मेटल्स। ये याद रखना, ये मैं यूज करूंगा आगे जाके रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। एनर्जी रिलीज करती है उसका हम यूज करेंगे आगे जाकर। जितना छोटा आयन होगा पानी में उतना ज्यादा घुलेगा, जितना ज्यादा घुलेगा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा, और उसको भी हम यूज करेंगे आगे किस तरीके से देखेंगे अभी। तो ये हमने पढ़ लिया एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई। अब नेक्स्ट, अब इसके अंदर बात करेंगे मेटेलिक रेडियस की। वो मैंने बता दिया मेटेलिक रेडियस भी सेम ऑर्डर होगा, मेटेलिक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मेटेलिक रेडियाई सीजियम का सबसे बड़ा होगा, मेटेलिक रेडियाई सीजियम का सबसे बड़ा होगा। ये मैंने बता चुका हूँ पहले कि क्या होता है इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, मैं ये पहले बता चुका हूँ। मेटेलिक रेडियाई का छोटा है, जैसे सोडियम है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऐसे मिलियन ऑफ सोडियम एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दिस इज दिस पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज कर्नल, इसको कर्नल कहते हैं। ऐसे एक कर्नल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दो कर्नल्स होंगे, दोनों कर्नल के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो दोनों के कॉमन होंगे, दोनों के कॉमन होंगे, कॉमन होंगे, तो इस वजह से इसका न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, दोनों के बीच में एक बन गया मेटेलिक बॉन्ड, इसका हाफ जो है दिस इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियाई। जितना बड़ा आयन होगा, जितना बड़ा एटम होगा मेटेलिक बॉन्ड उतना ही वीक बनेगा। जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जिससे हम मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल सकते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता होना इसीलिए भी जरूरी है, बहुत मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसलिए पता होना जरूरी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एटम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एटम के। अब तुम बताओगे एक बार कि नीचे आने पर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा। अगर मैं ग्रुप वन की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ नीचे आने पर डिक्रीज करेगी। मेटेलिक बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड होंगे इसके स्ट्रॉन्ग, इसलिए लिथियम होगा हार्ड। बीच में बोलो मत, लिथियम हार्ड होगा। सोडियम पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, सबने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट इवन विद एन आई। पता है सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम प्लास्टिक के नाइफ से भी कट कर सकते हैं, सोडियम, ये सबने पढ़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ वीक मेटेलिक बॉन्ड्स, इनके अंदर क्या है, वीक मेटेलिक बॉन्ड्स। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, लिथियम हार्ड है, लिथियम हार्ड होता है इसके अंदर, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, एमपी जिस जो हार्ड है इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज्यादा है ना, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। तो इसके अंदर ध्यान रखना है लिथियम हार्ड है और सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वीक मेटेलिक बॉन्ड्स है इसके अंदर। अगर मैं अब इसको कंपेयर करूं, अगर मैं इस बॉन्ड को कंपेयर करूं बेरिलियम वाले से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, अब तुम्हें बताना है कि किसके मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। सर ग्रुप टू के, हाँ ग्रुप टू के, क्यों, क्योंकि इनका साइज छोटा है, इनका साइज क्या है, स्मॉल है, छोटा साइज है इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल्स। और दूसरा इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने हैं, दो, और उनके पास कितने थे, सिर्फ एक, इस वजह से मेटेलिक बॉन्ड्स इनके स्ट्रॉन्ग हो गए। कुछ कुछ मैं यही कंपेयर कर रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कुछ कुछ कंपेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, इन बातों को कंपेरिजन में ही पूछते हैं इसके अंदर। तो ध्यान रखना इस चीज का
जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मेटेलिक बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स. तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं. अब इससे रिलेटेड मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट नीचे आने पर अल्कली मेटल्स में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. क्यों डिक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ. मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बॉलिंग पॉइंट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ. समझ रहे कि नहीं? तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट इसमें डिक्रीज करेगा. तो उसको भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट चीज बताई यहाँ पे. इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पैकिंग. इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पैकिंग. जैसे इसमें ये आंसर है, रीजन इसकी मैं बताऊंगा, थोड़ा एडवांस लेवल पे है, अभी तुम याद कर लोगे, इसको याद कर लोगे. बस एमजी जो है वो कहाँ चला गया, पीछे की तरफ चला गया. एमजी पीछे की तरफ चला गया, बस ये ध्यान रखना. अच्छा अब नेक्स्ट आएगा टॉपिक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें. नीचे पर दोनों डिक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इनके मेटेलिक बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट अब आ जाएगा इसके अंदर, डेंसिटी नोट करेंगे अब आगे. सर जो भी आपने ऑर्डर लिखवाया था वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का था या फिर मेटेलिक बॉन्ड्स का? मेल्टिंग पॉइंट. अच्छा डेंसिटी नोट करेंगे, डेंसिटी इनकी, डेंसिटी जो है इनकी. अब ध्यान रखना डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. अब ध्यान रखना इस चीज का, अगर तुम चेक करोगे लिथियम की बात, लिथियम वाले ग्रुप की बात करो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, अगर मैं इसकी बात करूं ग्रुप वन की, तो डेंसिटी नीचे पर देखो, नीचे पर मास भी 3, 11, 19 ये तो एटॉमिक नंबर है. मास भी अगर तुम चेक करोगे तो लिथियम का मास 7 होता है, सोडियम का मास 23 होता है, 39 होता है मास, ऐसे चलता है मास. तो अगर तुम चेक करोगे नीचे आने पर मास भी बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है, मास भी इंक्रीज कर रहा है साइज भी इंक्रीज कर रहा है. तो डेंसिटी क्या करनी चाहिए, नीचे आने पर हम डिसाइड नहीं कर सकते. लेकिन ध्यान रखना इस चीज का, 99% केसेस में मास इंक्रीजेस मोर देन वॉल्यूम. क्लियर, मास इंक्रीजेस मोर देन वॉल्यूम, मास इंक्रीजेस मोर देन वॉल्यूम. इसलिए डेंसिटी क्या करेगी, नीचे आने पर इंक्रीज. डेंसिटी मैक्सिमम केसेस में इंक्रीज करेगी, बस थोड़ा बहुत एक्सेप्शन अगर देखें तो ग्रुप वन और टू में, ग्रुप वन और टू में एक्सेप्शन है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. तो ध्यान रखना, अब ये तो बता दिया मैंने यहाँ पे, अब बिकॉज ऑफ लूज पैकिंग पोटेशियम, एक्सेप्शनल केस, इंपॉर्टेंट काफी, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम. तो इसका क्या रीजन हो सकता है, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज इन मास आता करके, इसका एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ पोटेशियम, एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ पोटेशियम है ना, एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ पोटेशियम. इस वजह से इसकी इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ पोटेशियम. अगर तुम चेक भी करोगे ना, तो मैंने सोडियम का तुम्हें कितना लिखवाया था, 186, और इसका 186 227, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा इसमें, 41 का आ रहा है, फिर भी डिफरेंस है काफी, 227 के आसपास. तो कितने आ रहा, 41 का डिफरेंस आ रहा है एटम की बात करें अगर. तो कुछ इससे भी देख सकते हैं कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ पोटेशियम. तो ये याद करना, भूलना नहीं बिल्कुल भी, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम. अब एक बात और ध्यान देंगे, अब जितने भी अल्कली मेटल्स हैं इन सब की डेंसिटी, पानी से कंपेयर कर रहा हूं मैं, पानी से डेंसिटी जो है लिथियम की तो बिल्कुल ही कम है, सोडियम पोटेशियम के कंपेरेबल है, सीजियम की 1.9 के आसपास कुछ आ जाती है, सीजियम की 1.9 के आसपास आ जाती है, और 1.5 के आसपास इसकी रुबिडियम की. तो ये तो पानी में क्या कर जाएंगे, पानी में क्या करेंगे, ये जैसे लिथियम है इट विल फ्लोट, ये सिंक कर जाएंगे पानी के अंदर. ये सोडियम पोटेशियम भी सिंक कर जाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी भी ना
वन के क्लोज होती है, अप्रोक्सीमेटली वन। तो ये वन डेंसिटी जिसकी है, तो पानी की तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है ना वन, तो पानी के अंदर क्या कर जाएंगे ये सिंक कर जाएंगे। लिथियम जो है फ्लोट करता है पानी के ऊपर, तो पानी के ऊपर लिथियम क्या करता है, फ्लोट करता है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जैसे ना कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, ध्यान देंगे डेंसिटी का मैंने बता दी यहाँ पे, और ऐसी अगर मैं ग्रुप इसकी बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, डेंसिटी क्या होगी इनकी, ग्रुप वन से ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, मास बढ़ गया और साइज कम हो गया। पीरियड में आते हैं, मास क्या होता है, बढ़े, मास तो बढ़ेगा ही, मास बढ़ेगा और साइज कम हो गया। लिथियम का मास 7 है, इसका मास कितना है, 9 है, इसका 23 है, इधर 24 है, तो मास बढ़ी रहा ना, इसका 39 है, कैल्शियम का 40 है, मास बढ़ गया और साइज कम हो गया, तो डेंसिटी पीरियड में बढ़ती है। डेंसिटी बहुत कम केसेस यहाँ पे डेंसिटी कम होती है, जैसे कॉपर और जिंक पे, वो बात की बात है, वो डी ब्लॉक के अंदर है, छोड़ देंगे उसको। डेंसिटी जो है पीरियड में हमेशा बढ़ेगी, ये दिमाग रखना है। क्यों? बिकॉज मास इज इंक्रीजिंग बट द साइज इज डिक्रीजिंग, मास इज इंक्रीजिंग बट द साइज इज डिक्रीजिंग, सो डेंसिटी विल इंक्रीज अलोंग द पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग पीरियड डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ये याद रखना इस चीज का। अब इसमें क्या होगा डेंसिटी का इफेक्ट, अब इसमें भी दिमाग में ऐसा रखना कि डेंसिटी तो इंक्रीज ही करनी है नीचे, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है इसके अंदर। डेंसिटी जो है बेरिलियम से कैल्शियम तक डिक्रीज है, बेरिलियम से कैल्शियम तक डिक्रीज है, उसके बाद कैल्शियम के बाद इंक्रीज है, बेरिलियम से कैल्शियम तक डिक्रीज है और उसके बाद इंक्रीज है। तो एक्चुअल लेवल अगर डेंसिटी तुम चेक, और कैल्शियम की सबसे कम, रेडियम की ज्यादा, बेरियम की ज्यादा, स्ट्रॉन्शियम की ज्यादा, फिर आ जाती है बेरिलियम की, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, लीस्ट आती है कैल्शियम, लीस्ट कैल्शियम की डेंसिटी आती है। तो ये कुछ ऐसे ध्यान रखना है इस चीज का, बेरिलियम से कैल्शियम इंक्रीज ही याद ना, जो मैंने तुम्हें याद करवा दिया कि डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीजेज वेदर इट इज अलोंग पीरियड और इट इज अलोंग ग्रुप, इट ऑलवेज इंक्रीजेज। बस इसमें क्या आया, स्टार्टिंग में डिक्रीज, बाद में इंक्रीज, बाद में तो एक्चुअली तो इंक्रीज ही आ रहा है। तो अब रेडियम तक डेंसिटी बढ़ जाती है, और रेडियम सबसे ज्यादा, फिर बेरियम की, फिर स्ट्रॉन्शियम की, बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम की लीस्ट, कैल्शियम की लीस्ट। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना डेंसिटी का, डेंसिटी का ये ऑर्डर है, ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों के अंदर बता दिया मैंने, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों नीचे जाने पर डिक्रीज करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों नीचे आने पर डिक्रीज करेंगे, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ग्रुप टू का मेटलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप वन। तो ये यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है, इसके अंदर फ्लेम कलरेशन, फ्लेम कलरेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन, अब फ्लेम कलरेशन क्या है नोट करेंगे, फ्लेम कलरेशन देखो नाम से पता लग रहा है कि फ्लेम में कलर आएगा, क्लियर, फ्लेम में कलर आएगा, फ्लेम में कलर आएगा। तो इसमें है क्या, मैं ये डिटेल, ये मैं हालांकि तुम्हें पहले भी बता चुका थोड़ा सा इसके बारे में, फ्लेम में कलर जो कलर्स थे मैं पहले भी बता चुका इसके अंदर, दोबारा सुनेंगे एक बार। देखो फ्लेम कलरेशन, इसके बंसन बर्नर के अंदर जब अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, सिल्वरी वाइट, उनका भी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना उनका भी सिल्वर टाइप का ही कलर होता है, लेकिन एग्जैक्टली सिल्वरी वाइट नहीं होते अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम की बात करें। अब इनको जब हम हीट करते हैं, ध्यान देंगे, इनको जब हम हीट करते हैं, बंसन बर्नर के अंदर, बंसन बर्नर के अंदर हीट करते हैं, ज्यादातर हम लैब में क्या यूज करते हैं, ऑक्टेन एज फ्यूल, ऑक्टेन एज फ्यूल यूज होता है लैब के अंदर। और घरों में जो हम एलपीजी यूज करते हैं, घर में हम क्या यूज करते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जब हम यूज करते हैं तो लिक्विड अपने आप ही वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो वो मैंने लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम में रहता है वेपर्स के साथ, तो
घरों में हम यूज करते हैं जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर मेनली जो फ्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो अब हीट ऑफ कम्बशन किसका ज्यादा होगा? हीट ऑफ कम्बशन ज्यादा होगा ऑक्टेन का, क्योंकि लैब में हमें थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है यानी हीट ऑफ कम्बशन हमें ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए हम ऑक्टेन को एज ए फ्यूल यूज करते हैं लैब के अंदर, हम ऑक्टेन एज फ्यूल यूज करते हैं। अब ध्यान देना, बंसन बर्नर के अंदर जैसे फ्लेम जो रिलीज होगी, इसमें जैसे बंसन बर्नर के अंदर, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ इस चीज को, लैब में जो हम यूज करते हैं बंसन बर्नर, उसके अंदर हम फ्यूल यूज करते हैं ऑक्टेन, ऑक्टेन यूज करते हैं एज फ्यूल, और घरों में जो यूज होता है वो एलपीजी होता है, आइसोब्यूटेन होता है। हमें घर में हीट ऑफ कम्बशन कम चाहिए होता है, एनर्जी कम चाहिए होती है, लेकिन लैब में हमें थोड़ी एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो हम ऑक्टेन एज फ्यूल यूज करते हैं, ऑक्टेन एज फ्यूल यूज करते हैं। जैसे ही फ्यूल रिलीज होगा, ध्यान देंगे बात को, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, जैसे ही फ्यूल रिलीज होगा तेजी से, तो आसपास की ऑक्सीजन को हटा देगा, रिमूव कर देगा। इसलिए जब भी फ्लेम जलेगी, इवन घर में भी होता थोड़ा बहुत, जब भी फ्लेम जलती है वो बिल्कुल हल्का सा ऊपर उठ के जलती है, वो हल्का सा ऊपर उठ के जलेगी, ध्यान रखना चीज का। यस, थोड़ा सा ऊपर उठ के जलेगी, एग्जैक्टली नीचे नहीं होगी, थोड़ा सा ऊपर उठ के जलेगी फ्लेम जो है, थोड़ा सा ऊपर उठ के जलेगी। और ये इसमें, अब इसमें भी बात सुनेंगे ध्यान से, जो फ्लेम होगी वो थोड़ा सा, अभी तो बताया मैंने कि जैसे जैसे ही तेजी से प्रेशर से फ्यूल रिलीज होगा, ऑक्टेन फ्यूल रिलीज होगा, तो क्या करेगा, नियर बाय ऑक्सीजन को हटा देगा। ऑक्सीजन क्या है, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन, वो नियर बाय ऑक्सीजन को हटा देगा, नियर बाय ऑक्सीजन को हटा देगा। तो इसलिए जब ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन थोड़ा ऊपर जाके मिलेगी, तो इसलिए फ्लेम हल्का सा हटके जलेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली बर्नर के साथ लगी नहीं हुई होगी, तो ये ढंकना चीज का, तो इस तरह से जलेगी। अब इसके अंदर, अब ऊपर जो ऊपर वाला जोन होता है, ऊपर वाला जो जोन होता है, ऊपर वाली जो फ्लेम होती है, क्लियर, ऊपर वाली जो फ्लेम होती है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या नॉन लुमिनस, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या नॉन लुमिनस, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब क्या होता है कि दूसरे को, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा होगी, यहाँ पे फ्यूल ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा, फ्यूल तो नीचे ज्यादा होगा ना, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए दूसरे को ये ऑक्सीजन देगा। और इधर क्या ज्यादा होगा, कार्बन, कार्बन यानी फ्यूल ज्यादा होगा इधर, इस पॉइंट पे इधर क्या ज्यादा होगा, फ्यूल, इधर फ्यूल ज्यादा होगा, इधर क्या होगा, फ्यूल ज्यादा होगा लेकिन ऑक्सीजन कम होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, अब मैं अगली लाइन इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा ये चीज, हालांकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये 6th-7th लेवल से स्टार्ट हो जाती है, इसका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस लेवल पे, नीट पे भी पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। इस पॉइंट पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे बेस्ट होता है, बेस्ट होता है ऑक्सीजन टू फ्यूल रेशियो या फ्यूल टू ऑक्सीजन रेशियो, इस पॉइंट पे, तो ये हॉटेस्ट जोन होता है, हॉटेस्ट रीजन होता है ये वाला। ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 5-6 साल पुराना क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन इसका, ये हॉटेस्ट रीजन होता है ये वाला इधर, क्योंकि ऑक्सीजन टू फ्यूल रेशियो का जो हमें चाहिए होता है एग्जैक्टली, इधर बेस्ट रेशियो होता है। और इधर जो होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेम्परेचर इसलिए क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा लेकिन फ्यूल कम, नीचे इधर क्या ज्यादा है, फ्यूल ज्यादा लेकिन ऑक्सीजन कम, दोनों ही चाहिए हमें, इन दोनों का बेस्ट रेशियो चाहिए होता है फॉर बर्निंग, तो ना तो इधर बर्निंग होगी एक तरह से, ना इधर होगी, इधर बेस्ट होता है टेम्परेचर, इधर मैक्सिमम होगा, हॉटेस्ट रीजन होगा इसलिए। तो इधर मैंने रीजन दे दिया, क्वेश्चन आया था बेस्ट हॉटेस्ट रीजन कौन सा है, तो ये समझ आ गया होगा जो मैंने बताया यहाँ पे। अब हम मेन जो हमें, मेरे को बताना है तुम्हें, मेन जो हमें बताना है वो ध्यान देंगे। अब प्लेटिनम वायर के थ्रू, ध्यान देना, प्लेटिनम वायर के थ्रू, प्लेटिनम वायर के थ्रू हम क्या करेंगे, इधर अल्कली मेटल्स को हीट करेंगे, क्लियर, अल्कली मेटल्स को हम हीट करेंगे प्लेटिनम वायर के थ्रू। इसके सरफेस पे हम क्या रखेंगे, अल्कली, कोई भी अल्कली मेटल, कोई भी अल्कली मेटल रखेंगे इस सरफेस पे, इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो डिफरेंट कलर्स की फ्लेम आएगी, डिफरेंट कलर्स की फ्लेम आएगी। फ्लेम क्यों आई है वो भी शायद तुम्हें पता होगा पहले से ही, जैसे मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डिफरेंट कलर्स की फ्लेम आएंगी हीट करने पर। डिफरेंट कलर्स की फ्लेम क्यों आएंगी, जैसे लिथियम को हीट किया, इलेक्ट्रॉन,
तो हाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, ये बता चुका हूँ पहले तुम्हें, क्रिम्सन कलर की, सोडियम है तो येलो कलर, पोटेशियम है पेल वायलेट, रुबीडियम है वायलेट, और सीजियम के केस में ब्लू कलर की फ्लेम आएगी, सीजियम के केस में ब्लू कलर की फ्लेम आएगी। तो ये तुम्हें याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये आएगा स्कूल में, स्कूल में क्वेश्चन ये आएगा व्हाई अल्कली मेटल्स इंपार्ट कलर टू द फ्लेम, व्हाई अल्कली मेटल्स इंपार्ट कलर टू द फ्लेम। तो इसका तुम्हें सिंपल सा आंसर क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन खुद करेंगे, व्हेन अल्कली मेटल दे आर हीटेड इन फ्लेम, व्हेन अल्कली मेटल दे आर हीटेड इन बंसन बर्नर और इन फ्लेम, देन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू, देन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स, एंड दे आर एंड इन हायर एनर्जी लेवल देयर लाइफ इज लेस, सो दे रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट इम्पार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इम्पार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये आंसर लिख के आना इसका, समझ गए? जैसे ही हम अल्कली मेटल्स को हीट करेंगे, जैसे ही हम अल्कली मेटल्स को हीट करेंगे तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे हायर एनर्जी लेवल्स पे, वहां पे उनकी लाइफ कम होगी, तो इमीडिएटली ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री कलर दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट कर देंगे जो हमें दिखेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मीनिंग मैं बता चुका हूँ पहले। अच्छा, अब लिथियम दे रहा है क्रिम्सन, क्रिम्सन होता है डीप रेड, क्रिम्सन क्या होता है डीप रेड, सोडियम देता है गोल्डन येलो, सोडियम देता है गोल्डन येलो। ये नाम याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये कंपाउंड है गोल्डन येलो कलर का, तो दिमाग में एग्जाम्पल आ जाना चाहिए कि ये सोडियम का कंपाउंड होगा जैसे NaOH, ये सोडियम का कंपाउंड होगा जैसे NaOH। ऐसे ही पोटेशियम है तो पेल वायलेट, रुबीडियम है तो वायलेट कलर, सीजियम है तो ब्लू कलर। तो ये कलर सारे पता होने चाहिए जो मैंने बताया अभी यहाँ पे। व्हेन अल्कली मेटल दे आर हीटेड इन फ्लेम, देन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स, वेयर देयर लाइफ इज लेस, सो दे इमीडिएटली रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट इम्पार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इम्पार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर। पेल वायलेट, पेल वायलेट कलर है इसका। अच्छा, अब ये मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे, नेक्स्ट अब आ गया। अच्छा, इसको याद कर लेंगे एक वर्ड में, CYPVB, ये मैंने पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हो तुम्हें, CYPVB, इसको ऐसे याद कर सकते हैं या फिर एक थोड़ा सा बना रखा CYPVB याद कर लेना, या चलो यार पीवी बार, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड करेंगे ग्रुप टू, ग्रुप टू की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इनकी बात करें, अगर इनकी बात करें तो इस केस में कलर जो है, इस केस में कलर जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम इम्पार्ट नहीं करते, नो कलर इन फ्लेम, नो कलर इन फ्लेम। रीजन बहुत सिंपल सा, ये बेस्ड है आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, ये बेस्ड है आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, सो दे डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई, सो दे डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स इजीली इन फ्लेम, इसलिए बेरिलियम मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं है, बेरिलियम मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं है, याद रखेंगे। उसके बाद कैल्शियम रेड, स्ट्रॉन्शियम रेड, क्रिम्सन डीप रेड, ग्रीन क्रिम्सन, लगभग रेड ही कलर है सबके। बस इसका ध्यान रखना, इसका वर्ड यूज करेंगे स्पेशली, इसका वर्ड यूज करेंगे स्पेशली बेरियम का, एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन यूज करेंगे इसका, एप्पल ग्रीन याद रखना। ये सर आपने बेरिलियम और मैग्नीशियम का बताया था, फिर से बता दूं मेरी स्क्रीन पे, बेरिलियम और मैग्नीशियम के, बेरिलियम या तो वो बाद में सुन लियो फिर बीच में बोल ऐसे, बेरिलियम मैग्नीशियम की आयन एनर्जी हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते ऑन एक्सपोजर टू फ्लेम, तो इसलिए कि इनका कोई कलर नहीं आता। ये RCGC से याद कर लेना, रेड क्रिम्सन ग्रीन क्रिम्सन, ग्रीन मतलब एप्पल ग्रीन, ग्रीन मतलब एप्पल ग्रीन, याद रखना ये, सही ना, ग्रीन मतलब एप्पल ग्रीन। और स्ट्रॉन्शियम को स्पेशली हम क्रेमाइन रेड